और इनको पैसा चाहिए, इनको कमी, इनको 16% 18% कमीशन चाहिए। हर काम इनको 18% 20% चाहिए। चिंता मत करो, मखदूमपुर भी नोट करो। तुम्हें बात कर दो ना, मखदूमपुर में आपने एक नोटिस दे दिया, दूसरा नोटिस भी हो गया है, आप प्रस्ताव बना के भेजो, हमको भेजो, इनको बात किया जाए और ऐसा करो उसके खिलाफ भी एफआईआर करो, क्रिमिनल कार्रवाई करो। चार्ज कर जो प्रधान भवन है मखदूमपुर के, साइन कर देना, कागज बना देंगे ये लोग। अरे हम समझ गए, हमें देखो कहानी, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू कहानी सुनने का, पैसा ले लिया बाहर कर देना उसको, ठीक है, बाकी कहानी नहीं सुनना है, बाहर करो मखदूमपुर के रोजगार सेवक को। ठीक है, तो ये जहां जहां वर्क आईडी चल रही है इस पे जो है काम कराइए और इसको क्या कहते हैं कंप्लीट कराइए। और तालाब का काम प्राथमिकता पे है, वृक्षारोपण के गड्ढे खुद गए, हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं आप सब लोग को, और आप सभी लोग आइए और हम ये सूचना हम सुनना चाहते हैं। और जितने भी ये इस तरह के खुराफाती रोजगार सेवक हैं, विदेश घूम रहे हैं, बर्खास्त करो, आज ही भेजो कागज, ये विदेश वाले का एक नोटिस बहुत है, एक नोटिस बहुत है, आज ही भेजो इसको। डीडीओ साहब, आप डीसी नरेगा का चार्ज एज ऑन डीसी नरेगा आप चार्ज लेते हुए फाइल पिकअप करिए, डीएम साहब से बर्खास्त आज ही करा देना, आज ही बर्खास्त करेंगे, आज शाम तक फाइल मेरे टेबल पे आनी चाहिए। आप तहसीलदार साहब जितनी पैमाइशें करनी है, ठीक है, सब पैमाइशें करा दो, ठीक है, तालाब का अभियान अच्छा चलना चाहिए, ठीक है, सभी लेखपालों को मेरा ये आदेश है कि सभी तालाब का चिन्हांकन करा, अच्छा जिसमें भी कब्जा है तालाब पे कब्जा, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने हिंजलाल तिवारी केस में ये फैसला किया है कि कोई भी तालाब पे अतिक्रमण है उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जा सकता है, नोटिस दो बाहर करो, जेसीबी भी चलाओ सीधे खाली करो, ठीक है। सरकार का भी अभियान चल रहा है इस पे, और हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से भी तालाबों पे अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएंगे। बात समझ में आ रही है सभी लेखपालों को, कोई शक? और सभी आईडी जनरेट करो, जो टीएस देता है टीएस वेस जो भी करता है कराओ, अगर कोई टीएस नहीं दे रहा है एक दिन में आप डीडीओ साहब को बताओ, और हर दिन टीएस की समीक्षा करेंगे, हर ब्लॉक की कितनी टीएस एमआई के पास पेंडिंग है इसकी समीक्षा करिए, कितने ब्लॉक ने भेजा वीडियोस रिपोर्ट दें, और एमआई ने कितना सैंक्शन किया, साला यही पता रहेगा कि कोई टीएस ही नहीं कर रहा है। ठीक है, हमें इतना ही कहना है, और नई वीडियो साहब ने ज्वाइन किया है, सभी प्रधान लोग सहयोग करें इनके साथ, और कोई भी कमी आती है कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है आपको, अगर ये भी काम नहीं कर पाते तो आप मेरे पास आ सकते हैं, सभी प्रधान लोग फ्री हैं, आप आइए मेरे पास ऑफिस में, कोई भी समस्या है, ये मखदूमपुर के प्रधान को पहले आना चाहिए था मेरे पास, आपको आना चाहिए था मेरे पास, बताना चाहिए था ना, हमको बताना चाहिए था ना, हमको बताते, आज आपने बताया हमको, कौन सा है समिति, समिति किसके पास पेंडिंग है, एडीओ पंचायत बताइए क्या विवाद है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, तो क्या नियम अनुसार क्या करना चाहिए, नियमानुसार सर हमने सचिव को यह कह दिया
एजेंडा जारी करते हैं तो एजेंडे को हस्ताक्षर नहीं करते। हमने कहा ऐसा ही एजेंडा बनाइए, आप सामने रेस्टोरेंट पर चश्मा करके फोटोग्राफ ले लीजिए और बाई रजिस्ट्री बाई पोस्ट उनको आप एजेंडा भेजिए। इसके बाद अगर लगातार तीन बैठकों में नहीं आते हैं तो फिर उनके बर्खास्त नहीं होता। तो बताओ सेक्रेटरी कौन है? सूचना आयोग ने नहीं किया अभी तक सेक्रेटरी सूचना आयोग प्रधान तो ये ऐसा करो कि खुली बैठक का क्या बताओ तो जैसा कि वीडियो साहब ने बताया है वहां पे खुली बैठक का एजेंडा चस्पा करा दो, दो तीन बार करा देंगे फिर बर्खास्ती का काम शुरू कर देंगे। ठीक है एक एक महीने में बैठक बुला लो, कितने दिन में बुला सकते हैं? बैठक को एक सप्ताह बुलाते हैं, ग्राम सभा की बैठक 15 दिन का टाइम होता है, साथ साथ ही तीन बैठकें बुला उनको हम बाई पोस्ट एजेंडा। तो हम चाह रहे 21 दिन मतलब है कि आज अगर 26 तारीख है 27 तारीख तो 18 तारीख तक इनकी बर्खास्ती का बना दो। ठीक है 18 मई को बर्खास्ती का कार्य आ जाएगा। अरे सचिव साहब कुछ नहीं यार नहीं करेंगे सस्पेंड कर देंगे उठा के बात तो तुम अपना देखो इसको। कौन कौन बताओ बताओ इस चीज़ का सर ने बताया लिखा तो सर ने बताया कि काम हो गया लेकिन अभी मजदूर खत्म किया है सर वो पैसा भी सर मार्च वाले पैसे के खाते में है सर मैंने उनका सारा अकाउंट चेक करवाया था किसी खाते में क्या है क्रेडिट कैसे नहीं हुआ क्रेडिट सर सात सात सिंह सर सर मार्च के बाद से पैसा लेंगे सर अकाउंट में नहीं सर 28 मार्च नहीं तो ये तो मार्च कब लास्ट टाइम कब का हुआ है नहीं तो अकाउंट चेक तो करो उसको मार्च पैसा है नहीं वो आएगा खाते में जाएगा नहीं ये बता रहे हैं जून से पैसा नहीं आया है सर इनका रोड पर रनिंग दिखा दिया गया था ना पेंडिंग में आगे करके रनिंग वर्क चल गया था। अच्छा रनिंग में चल गया था तो फिर इसे खत्म ही नहीं हुआ था मास्टर रोड। अच्छा पार्ट पेमेंट हुआ है ओके तो ठीक है हमें लगता है अभी एक महीने से पैसा इसका आया नहीं है ये हमें और ब्लॉकों में भी आ रही थी प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है नहीं आता तो 10 दिन बाद हम फिर से आ रहे हैं। ठीक है आप 10 दिन बाद हमें बताएं। ठीक है ठीक है अच्छा ठीक है आप कराइए आप कराइए नरेगा से कराइए कोई दिक्कत नहीं ले लो। कौन सेक्रेटरी है आप है कैसा तालाब है? अच्छा 5 साल के अंदर है अरे ये सब तुम हमें वाली मत समझाओ फालतू में ना तुम्हें ही मना देंगे। जब कोई प्रधान चाह रहा है सौंदर्यीकरण उसको सपोर्ट करो 60-40 का अगर ब्रेक करना होगा तो यहाँ करेंगे पहले देखो तो वहाँ टूरिस्ट पोटेंशियल क्या है सर ग्राम सभा का सेंटर है सर उसका पुराना तालाब है। अरे तुम बेवकूफ हो क्या 60-40 का ब्रेकअप हम नहीं ले सकते क्या जिले से कमीशन पूरे जिले के लिए मीटिंग हो सकता तुम ज्यादा दिमाग लगाओगे ठीक से खड़े रहो और अगर तुम्हें काम करने में इस तरह का बाधा उत्पन्न करनी है तो तुम्हें तुम्हारा भी इलाज कर देते हैं। जो जो सरकारी कार्य में बाधा बनेगा हम इलाज करेंगे हम बता रहे हैं तो किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। सरकारी कार्य में बिना किसी राजनीति के हम इसको बार बार बोल रहे हैं बिना किसी राजनीति के विकास के कार्यों में सभी लोग मिलकर काम करेंगे कोई इफ बट नहीं होगा। अगर कोई कराना चाहता है जीर्णोद्धार तालाब का वो करा सकता है और ये सभी प्रधानों पे लागू है कोई एक प्रधान पे नहीं है सब प्रधान अपना काम करा सकते हैं। बट हाँ 60-40 रेशियो हमारा नरेगा की गाइडलाइंस के अनुसार है और अगर आप अच्छा काम कराओगे और मेहनत लगन से काम कराओगे तो हम ये भी तैयार हैं कि हम जिला स्तर से आपको परमिशन दे सकते हैं कि आप बनाओ आप काम कराओ। हमें पॉजिटिव अप्रोच लेके माइंडसेट में रहना है और कोई भी अधिकारी अगर आपको लगता है यहाँ नेगेटिव अप्रोच का है तो आप हमें बताओ सीधे आके विकास भवन में। ठीक है
हमसे संवाद बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। शायद मेरा प्रधानों के साथ उतना संवाद नहीं रहा है, ये कमी रही है, ठीक है। हमारा सिर्फ अधिकारियों के साथ संवाद रहा है, आप संवाद बनाइए। और अगर ये लोग कुछ गड़बड़ी करते हैं, कुछ कमी है होती है, तो आप हमें बताइए, हम बिल्कुल आश्वासन देते हैं गलत काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। आप कराइए। सेक्रेटरी साहब आप देखिए जाइए, ठीक है सर। सर मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ सर, मेरी एक शिकायत है, कुछ प्रधानों द्वारा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार किया जाता है, और जिसका मैं एविडेंस लगभग एक साल से दे रहा हूँ। हमने यहाँ के वर्तमान वीडियो सर जो है देख लीजिए। पीडीसी हमारे गांव के, इसके पूर्व में वही सदस्य थे, इनकी मांग पूर्व में भी जितने भी कर्मचारी ब्लॉक के हों और भी लोग, इनकी एप्लीकेशन से इनकी मानसिकता क्या की। डीएम साहब पूर्व में इनके ऊपर दिनेश जी ने एफआईआर करने के लिए बोला था, बार बार एप्लीकेशन कर, कोई भी काम होता है सर बाधा लेके आदमी खड़ा रहता है, हर एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, और इनको पैसा चाहिए, इनको कमी, इनको 16% 18% कमीशन चाहिए। हर हर काम इनको 18% चाहिए, और पूर्व में भी जितने अधिकारी हैं सर आप बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए इनकी एप्लीकेशन से परेशान है।